नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक ही कमरे में कोविड नॉन कोविड मरीजों का हो रहा है उपचार। सड़क हादसे में दो युवकों की मौत। खंभे से टकराकर दो पहिया सवार की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। एक ही कमरे में कोविड नॉन कोविड मरीजों का हो रहा है उपचार। जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने शनिवार को एक बैठक में बताया था कि मेडिकल अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए और 100 नए बेड तैयार किए गए हैं, लेकिन उसी रात मेडिकल के कोविड वार्ड में बेड खाली नहीं होने के कारण कैजुअल्टी में एक ही बेड पर दो दो मरीजों को पूरी रात बितानी पड़ी। इससे लगता है कि जहां प्रशासन का घोड़े दौड़ते हुए खुद की पीठ थपथपा रहा है, वही हकीकत में स्थिति इसके विपरीत और भयावह दिखाई दे रही है। नागपुर जिले में कोविड संक्रमण के मामले में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। मरीजों के इलाज पर मनपा का खास ध्यान नहीं होने से होम आइसोलेट मरीज गंभीर होकर मेयो मेडिकल में आ रहे हैं, लेकिन वहां भी बेड नहीं मिलने से उन्हें मरे या जिए वाली कठिन स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो वही दूसरे और सड़क हादसे में दो युवकों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर दो पहिया सवार दो युवकों की मौत हो गई। अन्य एक युवक भी घायल हो गया। यह हादसा शनिवार की रात 8:30 पर वाड़ी थाने के सीमा में आठवा मिल परिसर में भरत नगर के पास हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुमित सुरेश वानकेड़े, शुभम रमेश नवाड़े मोहाड़े ले आउट और फिरोज सलीम खान तिजोरे ले आउट गोंड खैरी स्थित ब्लू स्टार कंपनी के गोदान में मजदूरी करते हैं। प्रतिदिन की तरह काम निपटा कर तीनों दोपहिया से घर लौट रहे थे। सुमित दोपहिया चला रहा था। भरत नगर के पास रोड पर स्पीड ब्रेकर होने से सुमित ने दोपहिया की गति कम की थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोट आने से शुभम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिरोज की मौत उपचार के दौरान हुई। सुमित के सिर और हाथ पर चोटें आई है। वाड़ी पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरे और खंभे से टकराकर दोपहिया सवार की मौत। बिजली के खंभे से टकराकर एक्टिवा सवार युवक की मौत हो गई। ऑर्डनेंस फैक्ट्री क्वार्टर्स निवासी रणधीर लांडगे रात के समय एक्टिवा से जा रहे थे। ऑर्डनेंस फैक्ट्री परिसर के तुलानी चौक के पास बिजली के पोल से टकराकर जख्मी हो गए। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वाड़ी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।